ये जो ब्लैक टेस्टिंग का काम कैसा सिखाया जा रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया सिखाया जा रहा है, कैसे ग्लू कटना है, कितना टेम्परेचर में, सब बता बता के कर रहे हैं। इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है सर। तेरा कौन कौन ने आज फाइल को रीड करना सीखा है? किस किस ने किया है? आपने यूएफआई कौन कौन ने चलाया है? यूएफआई खुद आपने आज किस किस ने चलाया है? उधर पीछे से, पीछे से, बोलो, इधर से। टेलीकॉम की खाली 30 दिन की कमाई है क्या? नहीं, तो जिंदगी भर का। आप थोड़ा लाइव बोलो मेरे को कि आप कितनी बार आ सकते हो अनलिमिटेड बार? जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए जब तक आ सकते हो आप। सेकंड डे की क्लास की। हाँ जी, हमने कभी यूएफआई बॉक्स कभी देखा नहीं था, ब्लैक पेस्टेड बोर्ड कभी देखा नहीं था, लेकिन सुना था कि कितना मुश्किल होता है ब्लैक पेस्टेड निकालना, लेकिन आज जब निकाल रहा हूँ तो इतना ईजी लग रहा है कि कुछ बोलिए। मतलब आपकी हैंड स्किल किस लेवल की होगी? यस सर, शुरुआत किया था आपने रिबोलिंग से, है ना, रिबोलिंग से आज पेस्टेड पे काम करो, किस लेवल की होगी? बहुत बढ़िया सर। एशिया टेलीकॉम सिर्फ बोलता नहीं, वो करके दिखाता है। एशिया टेलीकॉम डजंट रिजल्ट मेकर है वो। हाँ, डजंट जस्ट से, ही डज इट। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी इज्जत की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम की स्मार्ट क्लास था, और स्मार्ट क्लास में अब स्मार्ट क्लास चल रही है हमारी एमएमसी की डे 2 की क्लास है, और यहाँ पे हमारी जो क्लासेस चलती है, ये पहले हमारी जो थ्योरी की क्लास होती है, फिर प्रैक्टिकल की क्लास होती है। अभी हमारी एमएमसी की सेकेंड डे की क्लास है। एमएमसी की थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपके साथ भी मैं शेयर करना चाहूँगा कि क्या है क्या नहीं है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा। जिस तरह हमारे सारे स्टूडेंट को पता है ऑलरेडी, जैसे मान लीजिए कोई भी आईसी कनेक्ट नहीं हुआ, कोई भी आईसी कनेक्ट नहीं हुआ, और कनेक्ट ना होके यहाँ पे कुछ भी एरर आ रहा है रेड कलर में, क्या आ रहा है? रेड कलर में एरर आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक आईसी है, यहाँ पे एक आईसी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी, कि यहाँ पे एक आईसी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ, क्या करता हूँ? आइडेंटिफाई। अब आइडेंटिफाई करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या एरर आ रहा है। जैसे यहाँ पे VCC ओवर करेंट डिटेक्टर आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है? VCC ओवर करेंट डिटेक्टर, मतलब ये आईसी हमारी डैमेज है। मान लीजिए कि यहाँ पे VCC ओवर करेंट डिटेक्टर ना लिख के कुछ और एरर आया, जैसे इस तरीके से मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा। मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो आईसी कनेक्ट नहीं होता है, इसके रीजन क्या है। जैसे सब कनेक्ट हो, जैसे यहाँ पे आईसी पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ, ये देखिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले कितने बीट में कनेक्टेड हुआ? 1 बीट होना चाहिए। 4 बीट। 4 बीट मतलब क्या है आप सबको पता है? 4 बीट मतलब डाटा के कितने लाइन कनेक्टेड हुआ है? 5 लाइन। अगर यहाँ पे 1 बीट में कनेक्टेड होता तो कितने बीट में? 1 बीट में कनेक्टेड होता तो क्या होता, कितने लाइन? डाटा ओनली फॉर 0 डाटा। अगर 4 बीट में कनेक्टेड हो रहा है तो डाटा की कितने लाइन? 5। 0 से लेके 5 तक। और अगर 8 बीट में कनेक्टेड हो रहा है, कितने बीट में कनेक्टेड हो रहा है? 8 बीट में कनेक्टेड हो रहा है तो डाटा की कितने लाइन? 0 से 7 तक। अगर 8 बीट में आपके ऐसे कनेक्टेड हो रहा है तो डाटा की पूरे की पूरे लाइन कनेक्टेड हो, मतलब डाटा की पूरी लाइन मेरा ओके, डाटा की पूरी लाइन ओके। उसके बाद कोई भी आईसी अगर आपका कनेक्ट नहीं होता है और एरर कोड आता है, क्या आता है? एरर कोड। और मान लीजिए यहाँ पे एरर कोड 1 आती है, क्या आती है? 1। कोड क्या आती है? 1। कोड क्या आती है? 1। 1 की मतलब क्या है? स्टॉप करना है ग्राउंड का, क्या 1 एरर कोड 1 की मतलब क्या है? ग्राउंड को स्टॉप करना है सर। जी सर, जब हमारा कौन सी लाइन कनेक्टेड नहीं होता है? ग्राउंड की लाइन।
जब हमारा वन। अब अच्छा मुझे ये बताइए एरर कोड वन किस में आता है, कौन सी कनेक्टिविटी में आता है? आईएसपी। किस में आता है? आईएसपी कनेक्टिविटी में आता है। जब हमारा ग्राउंड की लाइन क्या होता है सही से कनेक्ट नहीं होता है तो वो कोड क्या आता है? वन आता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोड क्या आ रही है, कोड क्या आ रही है? टू। एरर कोड क्या आ रही है? टू। एरर कोड टू आ रही है, इसका मतलब क्या है? क्लॉक को डिक्रीज करना है। क्लॉक को क्या करना है? क्लॉक को सबसे पहले किसमें कर सेट करूंगा मैं? 24 पर। उसके बाद किसमें सेट करूंगा? उसके बाद किसमें सेट करूंगा? उसके बाद भी अगर मेरा एरर कोड टू आ रहा है तो मेरा आईसी क्या है? डैमेज है। अब मान लीजिए कोड कोड क्या आ रही है? सिक्स। क्या आ रही है? six. अच्छा बहुत सारे लोग कोड सिक्स आता है मतलब समझ लेते हैं आईसी बेकार है। क्या हमारे लिए आईसी बेकार है क्या? नहीं कर सकते हो कि नहीं कर सकते? yes, मैं आपको बता दूं कि एरर कोड सिक्स आए तो हमें क्या करना चाहिए, किसमें टिक लगाना है? यहाँ पे टिक लगाना है और यहाँ पे टिक लगाने के बाद मेरे को आईसी लगाना है किसमें? ई सॉकेट में। ई सॉकेट लगाना है, ई सॉकेट में, ई सॉकेट में। उसके बाद भी अगर आईसी आपकी कनेक्ट नहीं होता है और एरर कोड 6 आता है इसका मतलब आईसी क्या है मेरा? अगर मान लीजिए ये आईसी कनेक्ट ना हो के कोड क्या आ रही है? कोड क्या आ रही है? 17। क्या आ रही है? 17। एरर कोड 17 कब आता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर इसमें कोई सा भी एक लाइन हमारा क्या होता है? एक लाइन मिस होता है या लूज या छोटा वॉल होता है, कनेक्ट सही से नहीं होता है, तब हमारा क्या आता है? एरर कोड 17। और एरर कोड 17 फिर भी अगर लूज कनेक्टिविटी, आपने सारे लाइन ओके करके लगाया फिर भी आपका एरर कोड 17 आ रहा है तो आपकी आईसी क्या है? ठीक है। उसके बाद क्या कोड हमने लिखे हैं? 20। कोड 20। अगर ये किसमें आता है? आईएसपी में। हमेशा क्या इसमें आता है? अगर कोई आईसी कनेक्ट कर रहे हैं और कनेक्ट करने के बाद एरर कोड 20 आ रहा है तो मुझे क्या करना होगा? बीसीसी को और बीसीसी क्यू को यूएसबी से देना है। किससे देना है? यूएसबी से। उसके बाद और एक कोड लिखे हैं, क्या लिखे हैं? 225। क्या लिखे हैं? 225। जब ये किसमें आता है? आईएसपी में आता है। किसमें आता है? आईएसपी में आता है। तो अगर आईएसपी में आता है और आईएसपी में आने के बाद ये जो कोड आता है तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि सर अगर वीसीसी की लाइन ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होता है, शॉर्ट हो जाता है वीसीसी की लाइन, जब आप आईएसपी की जंपर मारते हो, जंपर मारने के बाद जो वीसीसी की जंपर मारते हो अगर वो ग्राउंड के साथ थोड़ा सा टिप टच हो जाएगा तो आपकी एरर कोड क्या आएगा? 225। अब ये कोड, ये एरर को हटाने के बाद, ये एरर हटाने के बाद मान लीजिए आपने आईसी को कनेक्ट कर लिया, क्या कर लिया? कनेक्ट कर लिया। क्या कनेक्ट होने के बाद भी आईसी सही होता है? नो सर। हमें देखना पड़ता है आईसी सही है कि नहीं। अब सपोज मैं यहाँ पे और एक आईसी, अब बताइए आप लोग मुझे क्या क्या देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक आईसी कनेक्टेड किया, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? डाटा की लाइन। क्या चेक करेंगे? डाटा की लाइन। क्या चेक करेंगे? डाटा की लाइन। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि मेरी जो आईसी है ये 8 बीट में कनेक्टेड हुआ है कि नहीं। अगर मैं, अच्छा चलिए एक बात और, एक बात अगर मैं आईएसपी में कनेक्ट करता हूँ, किस में कनेक्ट करता हूँ? आईएसपी। तो मेरा क्या 8 बीट में कनेक्टेड होगा? इसमें कनेक्टेड होगा 1 बीट मतलब डाटा 0 की लाइन, 1 बीट मतलब डाटा 0 की लाइन। उसके बाद मुझे क्या देखना है? मैन्युफैक्चर था। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर क्या आएगा तो सही है, क्या नहीं आएगा तो खराब है, बताइए। दोस्तों इन लोग, इनका कहना है कि अगर मैन्युफैक्चर आईडी में अगर अननोन लिखा है, क्या लिखा है? वो आईसी डैमेज है। अगर आईसी का ब्रांड का नाम बताया, जैसे सैमसंग ब्रांड की आईसी है तो यहाँ पे क्या बताया? सैमसंग। अगर एसके हाइनिक्स होता तो? एसके हाइनिक्स। सैनडिस्क होता तो? सैनडिस्क। किंगस्टन होता तो? किंगस्टन। माइक्रोन होता तो? माइक्रोन। माइक्रोन बताता है ना। तो ये अगर
यहाँ पे ब्रांड नाम ना बताते, अननोन लिखा रहा है, तो आपकी आईसी क्या है? खराब है। उसके बाद मैं बात करूंगा कि उसके बाद क्या चेक करेंगे, प्रोडक्ट नेम। क्या चेक करेंगे? प्रोडक्ट नेम में क्या आएगा सही है, क्या आएगा गलत। 00 अगर प्रोडक्ट नेम में मेरा कुछ भी नंबर ना आके क्या लिखा रहा है 000, तो मेरा आईसी क्या है? खराब है। अगर कुछ भी नंबर लिखा रहा है तो मेरा आईसी क्या है? सही है। उसके बाद क्या देखेंगे? सीआईडी सीएसटी क्या आएगा सही है, क्या आएगा गलत। सीएसटी लिखा आएगा तो क्या है कि वो आईसी आपकी डैमेज है, उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते हो। बैड सीआईडी और बैड सीएसटी अगर आ गया तो उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते हो, उसको सीधे आपको चेंज ही करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि सर बूट वन बूट टू बूट वन बूट टू अच्छा बूट वन बूट टू के साइज हमेशा क्या होना चाहिए? अगर ये 4 एमबी आ रहा है तो दूसरा, अगर ये 16 एमबी आ रहा है तो दूसरा 16 एमबी आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों हमेशा क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, है ना? ये दोनों सेम आना चाहिए। तो इसकी साइज कहाँ से कहाँ तक? तो दोस्तों आज इनका सेकंड दिन ब्लैक स्टेट की आज क्लास है, जैसा कि मैं बता दूं यहाँ पे इनसे हम सारा कुछ करेंगे ही। तो चलिए सबसे पहले आप इसको क्या कर रहे हैं दिखाइए, बोर्ड ब्लैक स्टेट बोर्ड है ये आपको ब्लैक स्टेट है। चलिए ठीक है, निकालिए इसको। जो ब्लैक पेस्टर का काम कैसा सिखाया जा रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया सिखाया जा रहा है, कैसे ग्लू कटना है, कितना टेम्परेचर में, सब बता बता के कर रहे हैं। इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है सर। क्या आप ये बताओ, ऑनलाइन देखकर की चीज़ सीख सकते हो क्या? ऑनलाइन देख कर नहीं सीख सकते, क्योंकि ऑनलाइन में वो बताते हैं जो ये पेस्ट लगाओ पोस्ट लगाओ काटने के लिए। इसमें एकदम ये हम लाइव कर रहे हैं और हम लाइव भी आपको दिखा दें, यहाँ पे लाइव देख सकते हैं, यहाँ पे लाइव भी चल रहे हैं। अच्छा बताओ मनोज, लाइव में क्या अपन झूठ बोल सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं, तो इसमें पूरा दिख जाता है, तो झूठ में क्या बोलना है इसमें। ओके, तो अभी आप कट कर रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पे? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ग्लू कट करिए, तब तक हम बाजू में ले लेते हैं। जी 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 जी, हाँ जी, दिखाइए सर। आप केन निकाल रहे हैं? जी सर, केन निकाल रहे हैं। चलिए आपका कहाँ पे बोर्ड है दिखाइए। ये देखिए एकदम फ्रेश है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इससे अच्छा ब्लैक पेस्टर्ड जो काम यहाँ पे सिखाया जा रहा है, जो ऐसा टेलीकॉम में सिखाया जा रहा है, वो तो कहीं और इससे बेटर सिखाया जा रहा है? नहीं नहीं सर, पहले डर लगती थी बहुत ज़्यादा सर, डर तो क्या, बोर्ड को छूने में डर लगती थी ब्लैक पेस्टर्ड। अभी कैसा लग रहा है? हाँ मिलन सर, इतना डिप क्या बता, इतना अच्छा वो दिया। हाँ ऐसे टेलीकॉम का जो पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत बढ़िया सर, हर एक चीज़ अगर मैं बात करूँ, हर इंस्टीट्यूट अपना अच्छा बोल रहा है। यहाँ पे क्या अच्छा है बताइए, फैसिलिटी क्या? फैसिलिटी सर यहाँ पे जो स्टाफ है बहुत बढ़िया सर। स्टाफ का मतलब आपको जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, पैसा वसूल है या नहीं है? फुल पैसा वसूल। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए, चलिए करिए, चलिए इधर आ जाते हैं। आप किस बोर्ड पे कर रहे हैं दिखाइए, बोर्ड अपना वीवो का बोर्ड है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए आप भी काम करिए, बताइए इससे पहले आप काम करते थे ब्लैक पेस्टर्ड? नो सर। कहाँ सीखा आपने? सर एशिया टेलीकॉम में सीखा, कल पहली बार निकाला था, तो आज सेकंड बार एकदम साफ तरीके से निकाल भी दिया। कल निकाला था आपने? यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, आज अभी क्या काम करने वाले? सर सीपी पे काम करने वाले हैं। 5 मिनट में ये ग्लू भी साफ हो गया, इसके 5 मिनट ग्लू भी साफ हो गया था। यस सर। कहीं कोई बॉल मिसप्रिंट? नो 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 सर। ओवरऑल क्या क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसा फील हो रहा है अभी आपको? फील सर बहुत बढ़िया हो रहा है, क्योंकि अभी तक ब्लैक पेस्टेड के नाम पे जो डर लगता था वो कल एक बार में डर खत्म करा दिया। इससे पहले इतनी इजी ट्रिक में और कहीं सिखाया जा सकता? नो सर, कहीं नहीं, ये खाली एशिया टेलीकॉम में संभव है। खाली एशिया टेलीकॉम में? यस सर। करिए निकालना चालू कर दिया आपने? सर ग्लू कट हो गया है, अब निकालने की प्रक्रिया हो रही है। ग्लू कट कर दिया, वैसे भी निकाल रहे हैं? जी जी सर। ठीक है करिए। ये लाइव कर रहे हैं कि पहले से कटा हुआ था? नहीं नहीं लाइव कर रहे हैं, अभी कटा हुआ सर, अभी पता चल जाएगा सर कितना पेस्ट अंदर लगा रहता है।
देख सकते हैं लाइन, क्या बात है। कोई बॉल में स्प्रिंट तो नहीं हुआ? चलिए क्लीनिंग का प्रोसेस करेंगे, तब तक हम एक स्टूडेंट को और दिखा देते हैं यहाँ पे। हाँ जी, आपका भी नहीं हुआ? सेब से पत्र उतार रहा है सर। चलिए ठीक है, कर बताइए ब्लैक पेस्टल क्लास कैसी रही? बहुत अच्छा रहा सर। अभी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी सर ब्लू रिमूव किया सर, अभी पेस्टलाइट उठाएंगे। यहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका सर टेलीकॉम कैसा लगा? अच्छा लगा सर। इससे बेस्ट और इससे बेहतरीन कुछ हो सकता है क्या? ना सर। पैसे आपने कहीं बर्बाद तो नहीं किया कि अरे हमारे पैसे कहीं डूब रहे हैं ऐसा कुछ? ना ऐसा तो नहीं है। नहीं सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू। थैंक यू। परफेक्ट। आज जो कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जो भी दिक्कत आ रही है आपको लाइव बताया जा रहा है यहाँ पे? हाँ सर। चलिए ठीक है। जी सर, आप यहाँ पे करने वाले हैं ब्लैक पेस्टेड, कैसा लग रहा है ब्लैक पेस्टेड? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अभी भी डर लग रहा है? नहीं नहीं, आप लाइव आप कर रहे हैं यहाँ पे? जी सर। कैसा मतलब इससे पहले और भी कहीं भी इंस्टीट्यूट आपको दे सकता है क्या? नहीं ऐसे ऐसा कोई नहीं इंस्टीट दे सकता। तो कैसा लग रहा है ओवरऑल अभी? कल आपने किया था और आज आप खुद फिर से कर रहे हैं? फिर से कर रहा हूँ सर। डर निकल रहा है मन से? पूरा निकल रहा है। पैसा वसूल? पैसा वसूल पूरा दिल से बोल रहे हैं? फुल पैसा वसूल हुआ है सर। सारे इंस्टीट्यूट तो यही बोलते हैं कि अरे हम तो यहाँ पे आई हैं पैसा वसूल कर रहे हैं, यहाँ पे क्या अलग मिल रहा है? यहाँ से उनसे तो बहुत कुछ अलग मिल रहा है सर। बहुत कुछ अलग मिल रहा है कुछ। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो यहाँ पे आपने चालू कर दिया कटिंग करना? जी सर। ग्लू कट कर रहे हैं आप? जी सर। चलिए ग्लू कट कर लीजिएगा, बताइएगा तुरंत। ठीक है, मैं बगल में ही। चलिए करिए क्लीनिंग करिए। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप जैसा सर ने बताया वैसे ही आप कर रहे हैं? जी सर। कैसा लग रहा है ब्लैक पेस्टेड मनोज? बहुत बढ़िया सर। पहले डर लगता था, अब डर नहीं लगता है। आपको ग्लू कट हो जाना तो बताना। ठीक है, ग्लू कट हो गया? जी सर। ठीक है, ऐसे निकाल दो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई बॉल मिस तो नहीं हुई? नहीं, एक भी बॉल नहीं मिस हुआ है। आप यहाँ पे लाइव भी देख सकते हैं एसए टेलीकॉम की पेज पे। चलिए क्लीनिंग करिए, फिर ऐसे क्लीन करिएगा तो बुलाइएगा। ब्लू कट हो गया आपका? जी सर। चलो ऐसे निकालिए। टेम्परेचर इसका हीट सब कुछ बताया गया यहाँ पे? सब कुछ बताया गया। कैसा लग रहा है बताइए यहाँ पे, अगर आप पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ओवरऑल कैसी रही क्लास हमारी अभी तक की? सर क्लास तो अगर जिस बच्चे को ABCD बताया जाता है एक बार अगर तो वो फिर कभी भूलता नहीं है। उस टाइप को यहाँ हर सेंटेंस को यूज किया जा रहा है। इतना बार उसको घुसा, हम लोग को बताया गया है, अंदर दिमाग घुसा दिया। बोला जा रहा है आज के डेट में कि आप हमारे यहाँ आओ, हम आपको सिखा देंगे। यहाँ पे क्या अलग मिल रहा है आपको? सर यहाँ की जो टीम है ना, सबसे बहुत बड़ी बात है कि हर एक टीम की नॉलेज जो है, हर एक टीचर की हर फील्ड में बेटर से बेटर नॉलेज है, एकदम डीप से डीप। ऐसा कहीं आपको स्किप नहीं तो नहीं बुलाया जाता? हर एक टीचर को मतलब यहाँ हार्डवेयर के टीचर हमें अलग मिले, सॉफ्टवेयर के टीचर हमें अलग मिले, और जो EMC स्टोरेज IC का टीचर जो है वो अलग हैं। तो सबका नॉलेज बहुत अच्छा है सर। जी, लगता था कि यहाँ पे ब्लैक पेस्टेड, अब कैसा लग रहा है, हलवा टाइप का लग रहा है? सर तो कल तो दो मोबाइल में काम किया, तीसरा मोबाइल इतना स्पीड से काम कर रहा हूँ कि आप खुद देख सकते हैं। सारे हिट और सब कुछ नॉलेज दिया गया? सारा कुछ नॉलेज दिया गया।
कौन से कंपनी का बोर्ड है आपका? Realme 2 Pro सबसे क्या बात है, सबसे हार्ड हो भी आपने सर। एक कौन सा बीजी है? ये बीजी है 2211 होगा सर, देख के बताना पड़ेगा हमको क्योंकि 254 है सर, बीजी 254 है। एक भी बॉल मिस हुआ क्या, प्रिंट मिसप्रिंट हुआ क्या? नहीं सर, पूरा प्रेप पर हुआ। चलिए क्लीन करिए फिर आपका सूट करते हैं, जब आप क्लीन करिएगा तो मुझे बुलाइएगा। हाँ जी, क्या कर रहे हैं अभी आप? क्लीन हो गया है। चलिए ऐसे क्लीन करिए, ये आप देख सकते हो एकदम क्लियर कट सफाई, क्या बात। चलिए मनोज जी ऐसे क्लीन करिए, थोड़ा साइड साइड का ये ग्लू लगा है। निकाल दे, क्लीन कर रहा। निकाल के क्लीन कर रहे हैं? जी सर। कैसा लग रहा है भाई ब्लैक क्रिस्टल का काम? बहुत बढ़िया सर, पहले तो डर लग रहा था होगा या नहीं होगा। इससे पहले करते थे या नहीं करते थे? नहीं करते। कहाँ पे सीखा आपने? यहीं पे। सेटअप पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। बताइए ऐसे टेलीकॉम क्यों अलग है? सभी बोलते हैं, सभी पढ़ा रहे हैं, पर यहाँ पे पढ़ाने का तरीका और क्यों डिफरेंट है, क्यों आना चाहिए? सर सभी तो सर बोलते हैं, पर यहाँ के स्टूडेंट बोलते हैं सर। अच्छा ऐसा है? यस सर। तो हम आपसे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं बोलवाते? नहीं नहीं सर। अच्छा लाइव में कोई एडिट हो सकता है क्या? नहीं सर एडिट नहीं। डेली लाइव आते हैं यहाँ पे? नहीं, जो सच्चाई है बस। सच्चाई तो पहले लग रहा था कि क्या होगा पता नहीं, पर यहाँ आने के बाद पता चला सच्चाई सच्चाई। चलिए अभी कैसा लग रहा है अभी आपको? अभी बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्यों निकाल रहे हैं? ट्विस्टेड है जी सर। किस कंपनी का बोर्ड है? MI Xiaomi जी। डर लग रहा है अभी? नहीं सर। कैसी लग रही क्लास? बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया लग रहा है सर। पहले करते थे? नहीं सर, कहीं ऐसी टेलीकॉम में आके सीखा। पैसा पूरा वसूल हो रहा है आपका? पैसा पूरा वसूल हो रहा है सर। सभी बोल रहे हैं अभी वसूल होते हुए। क्या अलग मिल रहा है आपको यहाँ पे? टेक्निक बहुत अच्छी सी अलग से मिल रही है। ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए सर। ठीक है, कंटिन्यू। हाँ जी निकाल दिया आपने? निकाल दिया सर। कैसी रही क्लास? बहुत बढ़िया रही सर। यूनिक चीज, हर एक चीज़ परफेक्ट तरीके से मिल रही है कि नहीं? परफेक्ट तरीके से मिल रही है सर। अब तो डर भी नहीं लगता पेस्ट निकालने में। चलिए ठीक है, कर देंगे। हाँ जी क्या कर रहे हैं? निकाल दिया? निकाल रहे? अभी नहीं निकाल रहे सर। ओके, कैसा लग रहा है? अभी भी डर लग रहा है? नहीं सर, बिल्कुल डर नहीं। लाइव करा जाए अभी आपके यहाँ पे तो आप कर लेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। देख सकते हैं आपकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है और यहाँ पे लाइव, तो कैसा रहा ओवरऑल? बस सही है सर, बहुत बढ़िया है। इतना पैसा कहीं आपके ख़राब तो नहीं हो रहा? ये देखिए सर एकदम सही, इसमें उसमें निकल गया सर ग्लो। अच्छा निकल भी गया? जी सर। कैसा लगा यहाँ का पढ़ाने का तरीका? सर बहुत अच्छा है सर। क्यों अलग है सबसे इसे टेलीकॉम? सर हर नॉलेज जो है वो बहुत डीप नॉलेज होता है सर। डीप नॉलेज होता है तो स्टूडेंट को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर। बिना टाइम वेस्ट किए हुए? बिना टाइम वेस्ट करने करते हुए आएंगे। चलिए ठीक है, करिए। तो जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे हो गया। हाँ जी क्या प्रोसेस कर रहे हैं अभी आप? सर हो गया सब, थोड़ा सा क्लीन कर दिया। ये बोर्ड क्लीन है, आईसी क्लीन नहीं किया सर। अच्छा बोर्ड क्लीन कर दिया, क्या बात है। कोई पैड तो मिस नहीं हो गए? एक भी पैड मिस नहीं। चलिए ठीक, आईसी क्लीन करेगा तो बुलाइएगा। ठीक थैंक यू। क्लीन कर रहे हैं बुलाइएगा आप। कोई दिक्कत नहीं?
फिट कर दी। हाँ निकल रहा है। कैसे रेस हुआ अभी तक की क्लास? बहुत बढ़िया सर। हलवा लग रहा है? ब्लैक टेस्ट है। हलवा हलवा अभी हार्ड लग रहा है क्या? नहीं सर, कल ही दो निकाले। ऐसा खराब तो नहीं हो रहा आपके वसूल? नहीं सर, टेलीकॉम जॉइन किया सर, वसूल हो रहा है। तो आपने सोचा था वो मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा सर? बिल्कुल। पढ़ा तो सभी रहे हैं पर यहाँ पे क्या अलग है सर? पढ़ाते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। ओके, अलग और खास क्या लगा आपको ऐसे टेलीकॉम में? खास मतलब ये इधर की ट्रिक्स और इधर के जो टीचर्स है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं सर। चलो ठीक है। चलिए, तो आपने क्लीन कर दिया कम्प्लीटली? यस सर। तो दिखाइए थोड़ा सा और ऊपर उठाइए, ये देख सकते हैं आप। कोई बॉल या फिर मिसप्रिंट हुआ क्या? नहीं सर, कोई भी पेड़ मिस नहीं हुआ। कैसा लगा बताइए आप? बहुत अच्छा लगा। इसका जो सर यहाँ के जो टीचर की ट्रिक है वो सही से काम कर रही है और हमको भी बहुत कुछ नॉलेज सीखने को मिली। और अभी हमने पेस्टेड आइस को नहीं निकाला था। कहाँ सीखा आपने? एशिया टेलीकॉम में। एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या 100% बहुत 100% सर, 100% इंस्टीट्यूट तो बेस्ट बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या खास मिला ये कि एशिया टेलीकॉम की पढ़ाने की और सीखने की काबिलियत बहुत उनसे भी बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल है। नहीं सर, ब्लैक पेस्टेड नहीं कर रहा देखिए। तो पूरा वीडियो शूट किया है सर, कैसा रहा आपका बताइए? बहुत बढ़िया रहा और बहुत प्राउड फील हो रहा है। हमने पहली बार में ब्लैक पेस्टर कल हमने MMC निकाला था और आज CPU निकाल के रिबॉल करके फिर से MMC कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट कर रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन ने आज फाइल को रीड करना सीखा है? किस किस ने किया है? अपने हाथों से करा है ऐसा? कोई जिसने अपने हाथ से नहीं किया हो? सब क्यों रीड करना? अब मैं बताऊं कि IC कनेक्ट जो करते हैं कनेक्ट नहीं होता है तो एरर जो आता है उस एरर को कौन कौन जानता है? सारे कोड तो जानते हैं सर कि हर कौन सा कोड में कौन सा एरर काम आएगा, कौन सा कोड में कौन सा एरर आएगा। यस सर, ये सारी चीज पूरा क्लियर है आपके? यस सर। कब डंप बनाना है, कब IME की फाइल बनाना है, कब क्रिटिकल की फाइल बनाना है, कैसे कहाँ से रीड करना है, ये सब क्लियर है आप लोग? अच्छा, इससे पहले EO5 से किस लोगों ने इंट्रोडक्शन था कि EO5 बोल के कोई टूल आता है, कोई जानता है? सर सिर्फ जानते, नाम सुने थे, नाम सुना था, काम नहीं सुना था, तरीका नहीं सुना था हमने। अच्छा, आज आपने EO5 कौन कौन ने चलाया है? EO5 खुद आपने आज किस किस ने चलाया है? उधर पीछे से, पीछे से बोलो, इधर से। EO5 का क्लास था और सर EO5 के नाम से डर लगता था। मैं दुकान शॉप खोल रहा हूँ तो पहले ले जाता था, लगता था कितना बड़ा इंजीनियर है क्या है। और अब सर ने 5 शब्द बताए हैं, 5 शब्द में पूरा EO5 आ जाएगा सर। सर वो समझे भी नहीं है जी, वो YouTube देख के आए। YouTube का नॉलेज मिल रहा है क्या आपको? नहीं सर, YouTube वाला नॉलेज मिल रहा है क्या? सर हर चीज़ को समझ के कर रहे हो ना। आपने आज प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया EO5 का? सर आपने अपने हाथ से रीड राइट और बैकअप लिया आपने? कैसा लगा सर? लेना तो ऐसा डर लगता था कैसे लेते होंगे सर, ने ऐसा बताया कि बोलने के लिए शब्द नहीं, इतना आसान हो गया कि बता नहीं सकते। मुकेश जी सर, ये बात बताओ तो तुम्हारी किस दिन 55,000 रुपये फीस वसूल हो गई थी? सर जिस दिन देव सर की हम क्लास फर्स्ट दिन अटेंड किए थे उसी दिन वो अपने अंदर से हमको विश्वास दिलाए कि तुम्हारा नहीं विश्वास दिलाना और हो जाना। उस दिन शुरू में जब अपना इंट्रो दिए थे हाँ। तो हमको बताया आप लोग में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा हाँ। जिसको नकार अपने अंदर में संतुष्टि ना होगा हाँ।
अगले दिन से सारे स्टूडेंट को संतुष्टि पैदा हुआ और उसी अगले दिन हम लोग लाइव पावर आईसी निकाल कर जियो फोन का लगा कर ऑन किए थे, जो काम हम कभी पहले के नहीं किए। 4G फोन से आईसी निकाला था, चालू मोबाइल से निकाला था, वापस लगाया था, वापस लगाया चालू हुआ था सर। तो सबने लगाया था, खाली इसलिए लगाया था, हर एक चीज समझ में ही आपको कभी ऐसी नौबत आई कि एक दिन क्लास होल्ड करना पड़ेगा, ये विश्वास है भाई हमारा, है ना। और हमारी टीचरों के प्रति डेडिकेशन है और टीचरों का हमारा को विश्वास है। हम पहली बैच नहीं पढ़ा रहे, हम 2013 से लीडिंग कर रहे हैं इसी प्रोफेशन को, लीडिंग के डेली काम की खाली 30 दिन की पढ़ाई है क्या? नहीं, नहीं। तो जिंदगी भर का आप थोड़ा लाइव बोलो मेरे को कि आप कितनी बार आ सकते हो स्टडी अनलिमिटेड बार, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए जब तक आ सकते हो सर। आज का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है सर, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जी सर, कैसा लग रहा है सब करके? सर बहुत अच्छा। कोई ऐसी क्लास जो आपके समझ में नहीं आई? नहीं सर, कोई कोई सी भी ऐसी क्लास? नहीं नहीं सर, सब समझ में आया सर, सब समझ में। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को यूपीआई बॉक्स के बारे में नहीं मालूम। मेरे को तो ये पता था कि आईसी को ऐसे उठा के लगा दिया था, उसमें प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम जी। आज जो बताया है बहुत अच्छा लगा है, जानकर बहुत खुशी लगी है कि अपने हाथों से खुद किया है, अपने हाथों से खुद किया है। तो हर चीज़ आज सर हम लोग को क्या लगा आपको इसे डेली का? बेस्ट सर, क्या बोलना चाहें अब, सब बेस्ट है सर, सब बेस्ट है जी। आज का दिन तो बहुत बढ़िया रहा है। अच्छा, बच्चे का क्लास था जिसमें से बहुत बार से रिपीट किया गया सर, इतना रिपीट किया गया कि एक एक लड़का से जो सबसे ज़्यादा कमजोर था वो भी आज कर ले रहा है। अच्छा जी, बताइए मुकेश कैसी रही क्लास आपकी? बहुत अच्छी क्लास रही सर। आपकी चेहरे की स्माइल बता रही है चेहरे का स्माइल, जब कुछ अच्छा होता तभी स्माइल आता है, या स्माइल फेक नहीं होता, फेक नहीं होता कभी स्माइल फेक नहीं होता। मुकेश ये बताओ मेरे को कि बच्चे सोचते हैं कि हम अब जाएंगे, एक महीने बाद जाएंगे, दो महीने बाद जाएंगे, तीन महीने बाद जाएंगे, तो ये क्या नुकसान कर रहे हैं बच्चे? ये देखिए सर, अपना उन लोग जो सोच रहा है कि अभी हम यहाँ पर नुकसान कर रहे हैं, मगर अगर जिसको आना है वो आ जाए, क्योंकि यहाँ आने के बाद उसको यहाँ का टाइम का वैल्यू पता चलेगा, वो अभी वहाँ का टाइम का वैल्यू। तुम्हारी फीस ईमानदारी से बताओ किस दिन वसूल हो गई थी? सेकेंड डे में ही वसूल, जिस दिन पावर ऐसे खोल के लगा के ऑन किए थे फोन को। अच्छा, कभी हम कभी किए नहीं थे और उस दिन कर लिए, तो इतना बड़ा बात हुआ मेरे लिए, वो तो हम ही जान रहे हैं। सर आज की क्लास में वैसे ही बहुत मज़ा आ गया। अभी तक जो प्रोग्रामिंग के नाम से जो डर लगता था कि प्रोग्रामिंग कितनी हार्ड होगी जी, वो एशिया टेलीकॉम की टीम ने मतलब 5 स्टेप में कर दी है सिंपल। अब 2 स्टेप हम लोग के कम्प्लीट हो गए, 2 स्टेप में समझ में आ गया कि प्रोग्रामिंग कितनी आसान है। अगर समझ में आ जाए तो कितनी आसान है, नहीं समझ में आया तो फिर कोई बात नहीं है, बाकी समझ में आया तो कितनी आसान है। और वो चीज़ तुम्हारी समझ में आ गई? यस सर। और समझाने के लिए एशिया टेलीकॉम बहुत बढ़िया सर। अच्छा बात करूँ फिर, सेकंड स्टेप में आपकी पैसकेट पर काम किया आपने? यस सर। है ना, तो कैसा लगा आपको? सर जो कल गलती हुई थी वो आज गलतियाँ कंप्लीट हो गई। तो परसों और अच्छा, तो आज के सकल वाला मिलन सर क्लास छो EMC क्लास, तो सर हमें तो एकदम फ्रेशर सर, हमें EMC की एट जानतम ना सर। तो सर सर जो पढ़ाल सकाल वाला तक एक भारि लगल, क्योंकि सर जो एकजन एकजन कर मैंने EFI मध्य आइडेंटिफिकेशन करिए सर, यो भलोभवे कर एकजुन पर एकजन के মানে সবটা একদম মাথার মধ্যে ব্রেনের মধ্যে ছাপ করে গেছে, মানে খুব ভালো হলো, একদম ভালো করে বলছে। ऐसी इतनी बारीकी से सर ने बताया है, एक बार में ही समझ में आता है। सर सबसे बड़ा सर ने तो बताया कि इरेजर आ जाए तो क्या करना है, किस कोडिंग से क्या करना, पूरा एक बार इरेजर आ गया क्या करना, तो उससे पूरा चल जाता है कौन सा इरेजर है, कहाँ से इरेजर आ रहा है, पूरा EMC के बारे में पूरा बड़े नॉलेज। आज EMC क्लास का पूरा बैकअप और रीड राइट और कौन सा IC का और कैसे उसका मतलब IMEI इन्वेस्टमेंट लिया जाता है, पूरा जानकारी मुझे प्राप्त हो गई है। पहले उतना नहीं पता था, लेकिन आप तो स्मार्ट वैकेंस या स्मार्ट टेलीकॉम में। मनोज अगर अपन टेस्टेड की बात करें तो टेस्टेड IC की बात करें या टेस्टेड IC में से कोई भी बात कर दीजिए, ब्लैक टेस्टेड हो या कोई भी टेस्टेड, तो कोई सा भी पेस्ट हमारे लिए कोई हार्ड है क्या? हार्ड नहीं है सर, कोई भी हार्ड नहीं है। अरे मैं उड़ीसा से हूँ, आज हमारा 2 सेक्शन था, पहले EMNC की रीड करना, जो हमारा स्टोरेज IC उसको रीड करना, उसको IMEI डाक्टर लेना और स्टोरेज के साथ सब भी पूरी बारीकी से सर ने समझा दिया है और पूरी तरह से समझा दिया है, एकदम बिठा दिया है मैंने सर।
और हमारी दो नंबर की सेक्शन थी तो पेस्टेड आईसी को निकालना, जो कि पहले हमें बहुत लगता था बहुत कठिन होगा, लेकिन वो भी आसान हो गया और पूरी बारीकी से। तो अभी आपकी स्किल कैसी हो गई है पेस्टेड पे काम करने की? दो दिन में बहुत। अगर आपके सामने चालू मोबाइल कोई रीस्टार्ट पे अगर लेके आता है, जो मोबाइल चालू है आपको, जी सर, तो रीस्टार्ट पे तो कोई डर लगेगा क्या? जी सर, कभी नहीं डर लगेगा। तो यूफाई का क्लास था और सर यूफाई के नाम से डर लगता था। मैं दुकान शॉप खोल रहा हूँ तो पहले ले जाता था, लगता था कितना बड़ा इंजीनियर है क्या है। और अब सर ने पांच शब्द बताए हैं, पांच शब्द में पूरा यूफाई आ जाएगा सर। सर वो समझे भी नहीं है जी, वो यूट्यूब देख के आए। यूट्यूब का नॉलेज मिल रहा है क्या आपको यहाँ? नहीं सर, यूट्यूब वाला नॉलेज मिल रहा है सर, हर चीज़ को समझ के कर रहे हो ना। आपने आज प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया यूएफआई पे? आपने अपने हाथ से रीड राइट और बैकअप लिया आपने? कैसा बैकअप लेना तो ऐसा डर लगता था कैसे लेते होंगे, सर ने ऐसा बताया कि बोलने के लिए शब्द नहीं, इतना आसान हो गया कि बता नहीं सकते। क्या बताओ सर, कैसे शब्द समझाया, मतलब कुछ भी हो सकता है सर, ऐसे टेलीकॉम में कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है सर। जिसने कभी तक यूपी हाथ में नहीं लिया सर, हाथ में नहीं लिया उसने सर करके दिखाया, रीड करके दिखाया सर, कहाँ से फाइल लाना है, कहाँ पर घुसाना है, क्या करना है सर। बहुत सर इससे टेलीकॉम को टीम को मैं थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ, स्पेशल मिलन सर को। तो सर आई लव यू सर। सेकंड डे की क्लास में, हाँ जी, हमने कभी यूएफआई बॉक्स कभी देखा नहीं था, ब्लैक पेस्टेड बोर्ड कभी देखा नहीं था, लेकिन सुना था कि कितना मुश्किल होता है ब्लैक पेस्टेड निकालना, लेकिन आज जब निकाल रहा हूँ तो इतना ईजी लग रहा है कि कुछ बोले। मतलब आपकी हैंड स्किल किस लेवल की होगी? ये सर शुरुआत किया था आपने रिकॉर्डिंग से, है ना, रिकॉर्डिंग से आज पेस्टेड पे काम करो, किस लेवल की होगी? बहुत बढ़िया सर, एशिया टेलीकॉम सिर्फ बोलता नहीं, वो करके दिखाता है। एशिया टेलीकॉम डजंट रिजल्ट मेकर है वो। हाँ, डजंट जस्ट से, ही डज इट। हो गया, रखो सर, निकाल दिए। चलो, कोई दिक्कत हुई यहाँ पे? नहीं सर। कैसा लग रहा ओवरऑल? प्राउड फील हो रहा है यहाँ पर। यस सर। चलिए ठीक है, क्लीनिंग करिए। अभी क्या क्लीन करेंगे सबसे पहले? पहले को हम लोग आईसीयू क्लीन करेंगे, स्कॉट बोर्ड है इसको काट के ग्लू इसको साफ करेंगे। ठीक है, करिए। क्या डाला आपने? पहले फॉक्स और पीपीडी को मिक्स करके डाला। रिसोल्ट सर। धीरे धीरे सर।